अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पीड्स वर्ल्ड। मेरा नाम डॉक्टर अहमद रसूल है, मैं माहिर अमराज से बचकान हूँ। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मेरे बच्चे की उम्र 7 माह है और उसका कॉन्स्टिपेशन का मसला हल नहीं हो रहा, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से उसके पखाने वाली जगह पर ज़ख्म हो गया है, जिसकी वजह से वो बहुत रोता है जब भी स्टूल पास करता है या वो स्टूल को रोक लेता है। अब जब भी किसी बच्चे में कॉन्स्टिपेशन होती है, ठीक है, उसको जब भी बच्चा वो उसकी वजह से हार्ड स्टूल पास करता है तो पखाने वाली जगह पर ज़ख्म हो जाता है। जब भी स्टूल पास करेगा तो बच्चे के दर्द होती है उसकी वजह से, और इस वजह से कई बच्चे स्टूल पास नहीं करते और एक वो फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन में चले जाते हैं क्योंकि वो स्टूल को रोकने लग जाते हैं। ऐसी कंडीशन में हमें ये करना चाहिए कि एक तो बच्चे की, जैसे 7 मंथ का बच्चा है तो हमें उसकी सेमी सॉलिड फूड बढ़ानी चाहिए ताकि उसको फाइबर कंटेंट मिले और उसका वो स्टूल पास कर सके। इस सिलसिले में हम एप्पल जूस, फ्रेश एप्पल जूस बच्चे को दें ताकि उसको फाइबर कंटेंट मिल सके और बच्चा नॉर्मली स्टूल पास करे, और अगर वो जो ज़ख्म है उस पर आप अपने किसी भी डॉक्टर को चेक करवाने के बाद ज़ाइलोकेन जेल अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आप अगर इन दोनों चीज़ों से भी बच्चे का कॉन्स्टिपेशन सेटल नहीं होती तो फिर हम उसको ड्यूफेलेक या लाइलेक, लैक्टोलोज जिसका सॉल्ट होता है, तो आप दे सकते हैं। आप अपने डॉक्टर को, किसी भी मुस्तैद डॉक्टर को चेक करवाएं और उसके बाद ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।